तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई सबसे पहले इसमें ऑयल टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, मेरे को ऑयल टेम्परेचर देखना है। ठीक है, तो भाई आज मैं आपको टाइगून GT का ड्राइव रिव्यू देने वाला। तो भाई आपको दिखाऊंगा ये गाड़ी चलने में कैसी। तो मैंने आपको इसका वॉक अराउंड रिव्यू दिया हुआ है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो वही देखेंगे यार 21 लाख में ये गाड़ी चलाने में कैसी। तो वर्टोस GT का जैसे मैंने आपको दिया था, तो इसका भी सोचे एक बार दे ही देते हैं कि इसका चलने में कैसी। ठीक है भाई, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आपको मिलता हूँ, अब ये चलाते हुए आपको मिलता हूँ, तो मैं भाई को दे दूंगा। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। ठीक है भाई, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई अभी मैं हूँ GT में, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। ऑयल टेम्परेचर वाला मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि भाई मेरे को अच्छा लगता है ऑयल टेम्परेचर देखना ना। तो अगर गाड़ी आपको दिखा रही है इन्फॉर्मेशन तो भाई यूज़ कर सकते हैं। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं GT में। खैर नॉर्मल में आपकी और GT में कोई फर्क नहीं है। सस्पेंशन जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके अच्छे हैं वर्टोस से अगर कंपेयर करो ना। खैर वर्टोस और इसका कंपेरिजन बनता है नहीं, और मैं किसी और सेगमेंट में इस सेगमेंट की कोई और गाड़ी चलाई भी नहीं है मैंने, जो मैं आपको उनसे कंपेयर करके बताऊं। ठीक है, और वर्टोस सेडान है और ये SUV, तो ऑब्वियस सी बात है इसके है ना थोड़े सस्पेंशन आपको कंफर्टेबल ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो भाई अब मैं एक बार भाई को दे देता हूँ। बोल तो भाई अब आप वीडियो बनाओ, हम चलाते हैं गाड़ी, थोड़े मज़े हम भी लेंगे। उसमें आपको पेडल शिफ्टर्स वगैरह सब मिल जाते हैं, और यही देखेंगे GT। जैसे मैंने वर्टोस आपको चला के दिखाई थी ना GT में ही, वो भी चलने में अच्छी थी। एक बार ये देख लेते, एक बार भाई आप बनाओ वैसे ही दिखाया जैसे अभी पहले दिखाया था। ठीक है, चलो भाई चलते हैं। ये है DLG यार, मतलब मजा आ गया भाई। ऑन यार मेरे को पहले भी बताया था, मेरे को पसंद नहीं आया, मतलब वर्टोस में और इसमें ना इतनी दोनों में ऑन मेरे को पसंद नहीं आया। पोलो वाला ज्यादा अच्छा लगता है, सही बात है भाई, क्योंकि यार ये मारुति वाला ऑन लगता है, लेकिन पी पी ऐसे कर रहा है। वोलो वाला बड़ा अच्छा लगता था। हल्का सा भाई इसने व्हील स्पिन मारा। अब जैसे DQ 200 है ना, ये लॉन्च होता नहीं, आपको बता देता हूँ। इसको अगर आपको लॉन्च करना है ना, मैं खैर बोलूंगा नहीं, DQ 200 को लॉन्च बिल्कुल मत करना, वरना इसमें इशू आ सकता है। आप इसको न्यूट्रल में फिर ड्राइव पे डाल दो IRPM पे, तब ये लॉन्च होगा, दरअसल लॉन्च होता नहीं है। इसका रीजन है रिलायबिलिटी, क्योंकि DHG की इसमें ना इफेक्ट होती है, उस वजह से। ये देखो भाई इसमें भी मजा है यार, GT तो इसलिए है, ये ग्रैंड टूरिंग जिसको कहते हैं ना, GT की फुल फॉर्म अगर होता तो असली क्रॉस कर गई है भाई। अरे भाई आवाज भी अच्छी है इसकी बहुत। ब्रेकिंग की बात करो, कॉन्फिडेंस वगैरह की ना भाई पूरा आता है। 76 थी मेरी स्पीड, अभी पर्सनली बताओ, सच सच बताओ ना, 76 थी भाई। ब्रेकिंग भी भाई बहुत सही है इसकी। अभी पीछे मेरा बैग भी गिर गया फर्श पे। ओ भाई मतलब सही में यार, अब ये पता है क्या, खाली रोड है नहीं, मैं गुड़गांव में हूँ अभी, फिर ना खाली रोड है नहीं, नहीं तो मैं आपको ब्रेक टेस्ट 0-100 सब कुछ करके दिखाता। अब पता है क्या, फोक्सवैगन मेरे को इसलिए पसंद है, ड्राइविंग प्लेजर दे देती है बस, और एंथुसियास्ट को क्या चाहिए। मजेदार चलती है ये गाड़ी देखो, और इसमें भी ACT आपको मिल जाता है। अगर कार लोड में नहीं है आपके, तो 4 में से 2 सिलेंडर आपके ऑफ कर देगी, ताकि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है। और अगर आप चाहते हो 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर मोड, तो जैसे 2 सिलेंडर मोड आएगी ना, एक बार भाई इधर देखना मीटर पे, तो यहाँ पर आपको इको लिखा आ जाएगा। अब भाई थोड़ा खाली रोड है, डोर गेट डाउन, भाग भाई, अरे भाग, अरे रे, मैनुअल में शिफ्ट कर दिया अब तो भी पूरा। मजा तो पूरा सही बताऊं, अगर बहुत मजा आता है इसको चलाने में, आप देख सकते हो। और ये यहाँ पर आपको मैनुअल मोड में भी हो ना, तो ये आपको दिखा देती है भाई आप फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में आ जाओ, ताकि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है। और आपको DQ 200 के रिलेटेड ना मैंने एक वीडियो बनाई है, मतलब वो वोटर्स के मेंटेनेंस में मैंने इंक्लूड कर दिया एक सेपरेट वीडियो, सोच रहा हूँ बना लूँ। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं बना दूंगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट भाई बड़े जरूरी है, ताकि
मैं वीडियोस इम्प्रूव और कर सकूँ। अब देखो भाई, नहीं भाई एक चीज़ बताओ, 1.5 में मज़ा तो है, इसकी जो मसल पावर है ना भाई बहुत अच्छी है। तो भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपके पास 21 लाख रुपए है ना, 21 लाख रुपए ऑन रोड अगर स्पेंड कर सकते हो इस पर भाई, इसी पे जाना, सही बता रहा हूँ। अगर आपको पावर वगैरह से प्यार है ना, और भाई इसके फ्यूल यहीं से लेना, क्योंकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ना आपको मल्टी पर्पस अच्छी मिल जाती है बिकॉज ऑफ द ECT टेक आपको, ठीक है। पर इसमें आप सर्विस कराते रहो, इसके ऑयल पूरा अगर रखोगे ना तो इस प्रॉब्लम भी नहीं देगी, और यूरोप से इम्पोर्टेड इंजन है तो भाई कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा। जर्मन इंजीनियर्स ने एक जर्मन इंजन बनाया, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है 1 लीटर में प्रॉब्लम आएगी, 1 लीटर भी अच्छा इंजन, ठीक है। लेकिन भाई अगर आपको बताऊँ ना, क्या कहते हैं, अगर ब्रेकिंग की स्टेबिलिटी भाई बहुत अच्छी है, 80 तक मैं लेके गया हूँ भाई, बहुत सही चल रही थी ये गाड़ी, ठीक है। और भी इसकी मतलब लुक वगैरह भी भाई बहुत अच्छी है चलाने में। एक चीज़ बताऊँ, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, 5 स्टार ग्लोबल एनकैप में इसको रेटिंग मिली हुई है, बोथ फॉर चाइल्ड एंड एडल्ट सेफ्टी। परफॉर्मेंस आपको मिल गई है अच्छी खासी, ये और क्या चाहिए बंदे को। मेरे को पर्सनली ना गाड़ी अच्छी लगी है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। और अभी अगर आप ऑयल टेम्परेचर पे रखते हो ना, जैसे भाई एक बार दिखाना है ऑयल टेम्परेचर वाले, तो आप क्या करते हो ना कि एक बार को दिखा देता हूँ मैं ऑयल टेम्परेचर पे क्या है ना, 98 है ना जैसे आप देख सकते हो। तो भाई मैं जैसे आपको पहले ही बताया, 90 डिग्री से आपका इंजन का टेम्परेचर जाना नीचे, तो ऑयल का जा सकता है, ऑयल का इतना ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आपका इंजन टेम्परेचर ये है ना, ये 90 से ऊपर नीचे जाना चाहिए, तब आपको चेक कराने की जरूरत है। इसमें तो ये इतना जाता है, ठीक है भाई, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही जा रहा है तब हो सकता है आपके ऑयल कूलर में प्रॉब्लम हो, तो आप चेक करा लेना। खैर इन गाड़ियों का ऑयल कूलर ख़राब नहीं होता, जैसे फोर्ड की गाड़ी की तरह इनका जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फीगो थी उसमें ऑयल कूलर ख़राब हो गया था, मतलब जिनको दी उन्होंने मेरे को बताया, ठीक है। कालेवानी भाई वही भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सही साहब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे और वीडियोज़ के लिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल भाई। अब अगली वीडियो में मिलता है, आप लोग सपोर्ट भी बहुत अच्छा बना रहे हैं, सपोर्ट बनाओ और वीडियोस ऐसी आती रहेंगी। ओके भाई, थैंक यू।